हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन फ्रॉम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इसमें दो चैप्टर्स का मिक्स कर रखा है, एक तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और एक अमीन्स जो आपका चैप्टर है क्लास 12th में उसका। तो इसमें मेन चीज़ मुझे जो गड़बड़ लग रही है वो ये लग रही है कि देर इज़ नो मीडियम, मीडियम में गिवन नहीं है, गैसेज मीडियम है, लिक्विड मीडियम है। जिस हिसाब से क्वेश्चन हमें मिला है उसी हिसाब से क्वेश्चन के आधार पर मीडियम गिवन नहीं है, और अगर मीडियम गिवन नहीं है तो मेरे हिसाब से या तो ये बोनस क्वेश्चन में जाएगा और या अगर इसका आंसर देंगे तो, अगर नॉर्मल फॉर्म में देखेंगे तो नॉर्मल फॉर्म की बात करें तो मिथाइल ग्रुप जैसे जैसे बढ़ता है उतनी ज्यादा बेसिटी होती है। अब आप बताइए, जैसे डोनेटिंग ग्रुप होते हैं तो डोनेटिंग ग्रुप बेसिटी को बढ़ाते हैं और विड्रॉइंग ग्रुप बेसिटी को कम करते हैं, एसिडिटी को बढ़ाते हैं। तो यानी कि जितने ज्यादा CH3 होंगे उतनी ही ज्यादा उसकी बेसिटी होगी। इस हिसाब से बात करें तो जो आंसर होगा वो होगा कि CH3 जिसमें CH3 2 जिसमें सबसे ज्यादा है वो सबसे ज्यादा बेसिक होगा। तो जाहिर सी बात है कि डी विल बी द राइट आंसर। पर अभी मैं यही कहूंगा कि ये बोनस क्वेश्चन में जाना चाहिए क्योंकि आपको मीडियम में गिवन नहीं है। क्योंकि मीडियम की बात करें तो आपने पढ़ा होगा NCERT में गिवन है कि मीडियम में टर्शरी, उसके बाद सेकेंडरी, सेकेंडरी पहले होता है, उसके बाद प्राइमरी होता है, उसके बाद टर्शरी होता है, 2-3-1 का ऑर्डर होता है अगर मिथाइल ग्रुप है। और अगर यहाँ पे आपको मिथाइल की जगह CH3 की जगह अगर आपको इथाइल ग्रुप देते C2H5 दे दिया होता तो आप लिखते कि सेकेंड डिग्री, उसके बाद थर्ड डिग्री एंड देन फर्स्ट डिग्री। ये ऑर्डर होता है, रेटाफिकेशन है NCERT से। पर लेकिन मीडियम गिवन नहीं है तो आप इसको भी नहीं लगा सकते। और वैसे अगर सिंपल ट्रेंड में देखा जाए तो विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं वो जो बेसिटी को कम करते हैं, डोनेटिंग ग्रुप बेसिटी को बढ़ाते हैं। तो इस हिसाब से आंसर विल बी डी। तो देखते हैं कि JEE Mains में क्या बोलता है, तो इसी का आंसर ये होगा। बाकी क्वेश्चन जैसे जैसे मिलते हैं उसमें डिस्कस करेंगे।